हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर अनिल खामकर और मैं न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ उमंग हॉस्पिटल में। आज का ये व्लॉग, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेबी बॉर्न होने के बाद उसका कैसे ख्याल रखा जाता है, कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है और पेरेंट्स के जो कंसर्न्स होते हैं उसको हम कैसे आंसर करते हैं। ये बेबी की डिलीवरी कल हुई थी और लगभग ये बेबी 24 आवर्स अभी कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम आज बताते हैं कि बेबी को जब हम देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें पे हमें गौर करना होता है। सबसे पहली बात तो हमें हाथ को साफ़ सुथरा रखना होता है। अगर हाथों में कहीं पे भी गंदगी है तो आपको हाथ अच्छी तरीके से धोना है और उसके बाद हाथ को सैनिटाइज़र लगाना है। सैनिटाइज़र लगाते समय आपको यह ख्याल रखना है कि उसका वॉल्यूम सफिशियंट हो ताकि आपका पूरा हाथ उससे कवर हो। फिर आप जिस तरीके से देख रहे हो कि हम अलग अलग पार्ट है जो है हाथों के, उस पर सैनिटाइज़र अप्लाई कर रहे हैं ताकि कोई भी जो जगह है वो बिना सैनिटाइज किए हम बेबी को ना छू सके। सैनिटाइज़र को अच्छे तरीके से ड्राई होने देना है। ये एप्लीकेबल है सारे पेरेंट्स को भी और डॉक्टर्स को भी जो भी बेबी को टेक केयर करने वाले हैं। करेक्ट, अभी मैंने सैनिटाइज़ हाथ अपने कर चुका हूँ और अभी हम बेबी को चेक कर रहे हैं। सबसे पहले तो बेबी की एक्टिविटी देखना है कि क्या बेबी एक्टिव है या फिर सो रहे हैं। अब हम बेबी को अनरैप करेंगे, मतलब इनका जो कपड़ा है वो हल्के से खोलते हैं। राइट, काफ़ी बार इस दौरान बेबी रोते हैं क्योंकि उनको कपड़े निकालना या अनरैप करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बेबी काफ़ी काम और कूल है जो कि अपने को कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज़ जो हम देखेंगे वो बेबी का टेम्परेचर। तो बेबी का जो पेट है वो गुनगुना होना चाहिए। इस बेबी में ये गुनगुना है, वही हाथ मैं अभी रख रहा हूँ तलवों पे, मतलब सोल्स पे। ये दोनों का टेम्परेचर अगर गुनगुना है, मतलब ल्यूकॉम है, इसका मतलब बेबी का टेम्परेचर नॉर्मल है। इसके बाद हम बेबी को अलग अलग चीज़ों के लिए जांचते हैं। सबसे पहले चीज़ तो हम ये अभी इनका जो कैप है वो खोलेंगे। हम चेक करते हैं ये ऊपर का फॉन्टेनल, कुछ लोग इसको टालू भी बोलते हैं, कि क्या ये नॉर्मल है या फिर अंदर से दबा हुआ है। रेयर केस में ये काफ़ी ओपन या फिर बड़ा होता है, जिसके लिए हमें कुछ अलग जांचें करनी होती है। बेबी की आँखों में हम देखते हैं कि कहीं पे जॉन्डिस तो नहीं है, इस बेबी में जॉन्डिस नहीं है। फिर हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि बेबी की आँखों से येलो डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। राइट, हम पेरेंट्स को सिखाते हैं कि जब भी आँखों में गंदगी आए तो कॉटन से कैसे क्लीन करना है, जो कि नाक की तरफ से कान की तरफ, इस डिरेक्शन में। इसके बाद दूसरा कॉटन स्वाब लेके आपको उसी तरीके से दूसरे आँखों में भी सेम चीज़ दोहरानी है। नाक के साइड में एक ट्यूब होती है जो कि आँखों का पानी नाक में छोड़ती है, उसको हमें अगर वो ब्लॉक हुई है तो ओपन करने के लिए इस तरीके से ऊपर से नीचे की डिरेक्शन से प्रेशर देना होता है। राइट, ये हमें लगभग 3 बार एक स्ट्रोक में करना होता है और दिन भर में ऐसे कम से कम 3 बार करना होता है। दूसरी चीज़ हम जो जांचते हैं वो है बेबी को जॉन्डिस के लिए देखते हैं। इस बेबी को जॉन्डिस स्किन पे नहीं है। नाभि, ये नाभि हमेशा सूखी रहनी चाहिए और डायपर के बाहर रहनी चाहिए। अगर नाभि डायपर के अंदर जाती है और बेबी का सूसू या पॉटी से वो कंटेमिनेट होती है तो इन्फेक्शन का खतरा रहता है। कॉमनली हम लोगों ने पाया है कि घर पे काफ़ी सारे लोग इस पे कुमकुम या ऑयल डालते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है, इससे इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी पॉटी क्लीन करने के समय जब डायपर निकालते हैं तब जो हाथों की डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ होनी चाहिए, ताकि जो पॉटी की गंदगी है वो पेशाब की तरफ ना आए और जिसकी वजह से बेबी को इन्फेक्शन ना हो। बाहर का माहौल कैसा है या रूम का माहौल कैसा है, इसके हिसाब से बेबी को ज़रूरत पड़ने पर मिटन्स या फिर सॉक्स पहनाने होते हैं। फ़िलहाल इस रूम में काफ़ी हद तक टेम्परेचर नॉर्मल है, इसकी वजह से इस बेबी को हाथों में मिटन्स और पैरों में सॉक्स नहीं पहनाए हैं। नॉर्मल डिलीवरी में तुरंत मिल्क सप्लाई होता है, सी सेक्शन में लेट मतलब कितने दिन में मतलब मिल्क सप्लाई जी देखा जाए तो ये कंसेप्ट जो है शुरुआत जो होती है वो अपने दिमाग से शुरू होती है। आफ्टर ऑल मिल्क का सप्लाई जो है वो स्ट्रेस रिलेटेड होता है। जितना मम्मी काम और कूल रहेगी, जितना कंफर्टेबल रहेगी, जितना हैप्पी फील करेगी, उतना मिल्क सप्लाई जल्दी एस्टेब्लिश होता है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मम्मी जब भी पॉसिबल हो, जब भी कंफर्टेबल है, बेबी को ब्रेस्ट पे लैच करने की कोशिश करें, ताकि ब्रेस्ट मिल्क का जो सप्लाई है वो काफ़ी जल्दी शुरू हो। शुरू में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, सिर्फ कोलोस्ट्रम आता है जिसको हम लोग
बोलते हैं कि ये एक एंटीबॉडी, मतलब एक फर्स्ट वैक्सीन जो होता है बेबी के लिए, वो है मम्मी का मिल्क, जिसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। और ये बहुत गुणकारी होता है, इसके लिए हमें जितने जल्दी हो सके बेबी को मम्मी के ब्रेस्ट पे लगाने का ट्राई करना चाहिए। सीजरियन सेक्शन में ये जो समय तय किया गया है ये विद इन 2 आवर्स तय किया गया है। लेकिन रेयर सर्कमस्टांसेस में अगर मम्मी जी काफ़ी कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रही है, तो उस समय बेबी को लास्ट ऑप्शन करके फॉर्मूला फीड दिया जाना चाहिए। बा ने यूरिन पास के लिए, ओके, आणि शी पास के लिए, ओके। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट 24 आवर्स में बेबी ने मोशन करना चाहिए और फर्स्ट 48 आवर्स में एटलीस्ट एक बार यूरिन पास करना चाहिए। 48 आवर्स होने के बाद बेबी का जो यूरिन का फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, और वो एटलीस्ट मोर देन 10 टाइम्स, 10 से ज़्यादा बार होना चाहिए 24 आवर्स तक। अगर इतना यूरिन बेबी पास कराए तो इसका मतलब है कि बेबी को फीडिंग सफिशेंट मिल रहा है, क्योंकि शुरुआती के दिनों में बेबी का वेट लूज़ होता है। लगभग 5 से 7%, मतलब 5 to 7% वेट लॉस बेबी में एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर बेबी को फीड नहीं मिल रहा है या फिर बेबी का पसीना बहुत छूट रहा है, तो उस हालत में बेबी का वेट लॉस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए जब भी आप फॉलोअप के लिए आते हो या फिर जब हमें एक्सेसिव वेट लॉस एक्सपेक्टेड है, तो उस समय बेबी का वेट चेक करके ये हमें ये देखना होता है कि बेबी ने बहुत ज़्यादा वेट तो लूज़ नहीं किया है ना। अजून काय प्रश्न आहे तुमचे? यस, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये जवाब ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मम्मी का मिल्क नहीं तो हमें काउज मिल्क देना चाहिए। सबसे पहली बात तो मम्मी का मिल्क सफिशिएंट होता है, जितना भी थोड़ा बहुत भी आता है वो बेबी के लिए सफिशिएंट होता है। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई फॉर मदर्स मिल्क ओनली। लेकिन अगर कम पड़ता है तो फिर हम फार्मूला दे सकते हैं। काउज मिल्क बच्चा जब तक 1 साल का नहीं होता तब तक रिकमेंडेड नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग ही है, इसका मतलब है कि मम्मी जी का मिल्क 6 मंथ्स तक आपको कंटिन्यू करना है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप पानी भी पिलाने की ज़रूरत नहीं है बेबी को। कुछ लोग शहद पिलाते, वो देने की ज़रूरत नहीं है। बाजनम गुट्टी, सुवर्ण प्राशन, ग्राइप वाटर, नथिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल मम्मी जी ने पूछा है कि क्या हम ये चीज़ें दे सकते हैं, तो उसका आंसर ना है, स्ट्रिक्टली ना है। जब बेबी 6 महीने का हो जाता है उसके बाद हम बेबी को ऊपर का खाना शुरू करते हैं, राइट, और उस समय पानी भी शुरू करते हैं। अभी उसने 4-5 बार किए कल से पट्टी, तो वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई। जी, तो शुरू में क्या होता है कि जब बेबी 2-3-4 दिन तक पहुंचता है तो काफ़ी बार बेबी ज़्यादा पॉटी करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल स्टूल। तो इसका फ्रीक्वेंसी, यस, तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, क्योंकि बेबी का जो पॉटी है, अगर बेबी 12-14 बार करता है तो भी इसको नॉर्मल कहला जाता है। तो कॉमन सिचुएशन ऐसी होती है कि मदर ने फीड किया और बेबी ने पॉटी कर दी, राइट। तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या ये डायरिया है, क्या बेबी को इन्फेक्शन हो गया, क्या मैंने कुछ गलत खाया कि जिसकी वजह से पॉटी हो रही है, या फिर मेरा मिल्क बेबी को सूट नहीं हो रहा है क्या। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, इसको हम लोग उल्टा पॉजिटिवली लेते हैं, क्योंकि इससे जॉन्डिस बाहर निकलता है। जितना बेबी पॉटी ज़्यादा करेगा, जितना यूरिन ज़्यादा पास करेगा, उतना जॉन्डिस का खतरा कम रहता है, राइट। और इसके अलावा और 2-3 चीज़ें कॉमन होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि बेबी अगर स्नीज करता है तो स्नीजिंग इज़ नॉर्मल। स्नीजिंग अगर करता है बेबी तो बेबी को सर्दी हो गई ऐसा बिल्कुल ना समझे। सेकंड चीज़ जो कॉमन होती है वो है हिकअप्स। फीडिंग के बाद कई बार हिचकी आती है, मराठी में आपण गुसक्या लागले असं म्हणतो, तो दिस इज़ परफेक्टली फाइन। हिकअप्स में लास्ट टिल 30 मिनट्स आफ्टर फीडिंग। हिकअप्स को कम कराने के लिए आपको बस खड़ा पकड़ना है, डकार निकालना है, बर्पिंग कराना है, जिसकी वजह से हिकअप्स कम रहे और बेबी का जो डाइजेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से फिर वो इम्प्लीमेंट होता है, उसकी वजह से गैसेस भी कम होते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि आपने व्लॉग अच्छे तरीके से इंजॉय किया है। काफ़ी जो कॉमन पॉइंट्स है जो पेरेंट्स के दिमाग में आते हैं या फिर जो कॉमन सिचुएशंस है, इसको हमने आज डील करने की या फिर उसके आंसर देने की कोशिश की है। थैंक यू।